जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, चर्चित महिलाएं 2022। मतलब जो महिलाएं, जो माताएं बहने जो 2022 में चर्चा का विषय बनी हुई है, मतलब जिन्हें कोई पुरस्कार दिया गया है, कुछ भी दिया गया है, तो उनको आज हम इस वीडियो में बारीकी से समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य में सृष्टि गोस्वामी एक दिन के मुख्यमंत्री बनी हैं? मतलब जो सृष्टि गोस्वामी हैं, जो एक दिन की मुख्यमंत्री बनाई गई हैं, किस राज्य में बनाई गई हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। और बारीकी समझ लेते हैं इसमें। हरिद्वार की 19 वर्षीय छात्रा, कौन सी छात्रा थी सृष्टि गोस्वामी, उसको राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनाया गया। मतलब बालिका दिवस के अवसर पर उसे एक दिन का उत्तराखंड की मुख्यमंत्री को बनाया गया था। और उसे अभी फिलहाल में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी, जो अभी 47 सीटों को जीतकर बीजेपी के तरफ से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मतलब युद्ध सेवा मेडल, भव्य देशमुख, अवंतिका अग्रवाल या मिंटी अग्रवाल या अदिति महेश्वरी? तो इसका राइट आंसर है मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक की कार्रवाई के दौरान स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल के उड़ान नियंत्रक की अहम भूमिका निभाई थी। मतलब जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी उसके नियंत्रक की जो भूमिका थी वो मिंटी अग्रवाल ने निभाई थी, इसलिए मिंटी अग्रवाल को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की अदिति महेश्वरी एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश की उच्चायुक्त बनी है? ब्रिटिश की उच्चायुक्त, और वो कहाँ की, मतलब है कहाँ की? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इसका राइट आंसर है जो अदिति महेश्वरी हैं वो राजस्थान की हैं और एक दिन की ब्रिटिश की उच्चायुक्त बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी? मतलब जो स्वयं से निर्मित, स्वयं बनी है अरबपति कौन बनी है? किरण मजूमदार शाह, रोशनी नडार, नीता अंबानी या फाल्गुनी नायर? तो इसका राइट आंसर है फाल्गुनी नायर स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है। अगला क्वेश्चन, सॉरी इसका समझ लेते हैं, जो क्या है कोटक महिंद्रा बैंक में काम कर चुकी हैं, जो यही हैं वो कोटक महिंद्रा बैंक में काम कर चुकी हैं। उन्होंने 2012 में नायका की शुरुआत की थी, नायका की शुरुआत की थी 2012 में। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाली सना मरीन किस देश की हैं? आपको समझ गया सना मरीन किस देश, सना मरीन को क्या बनी है? युवा प्रधानमंत्री बनी है, और वो किस देश की हैं? आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे या डेनमार्क? तो इसका राइट आंसर है फिनलैंड की जो सना मरीन है वो प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, अगला समझते हैं, फिनलैंड जो है, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी, 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 और मुद्रा है यूरो, मतलब वहाँ रुपया यूरो चलता है। अगला क्वेश्चन, देश के सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला का क्या नाम? मतलब जो सबसे युवा मेयर बनी है वो कौन बनी है? मिंटी अग्रवाल, सृष्टि गोस्वामी, मीना अग्रवाल या आर्या राजेंद्रन? तो इसका राइट आंसर है आर्या राजेंद्र जो है वो युवा मेयर बनी है। 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा आर्या राजेंद्र को केरल के तिरुवनंतपुरम का नगर निगम का मेयर चुना गया है, केरल के तिरुवनंतपुरम का नगर निगम चुना गया है। मीनाक्षी वर्मा को किस राज्य में
एक दिन का गृह मंत्री बनाया गया है? मैं किस राज्य में एक दिन का? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में मीनाक्षी वर्मा को एक दिन का गृह मंत्री बनाया गया। अगला क्वेश्चन, इसकी कुछ समझ लेते हैं। राजधानी भोपाल, जो मतलब इसकी राजधानी है वो कहाँ है? भोपाल है। और महिला आरक्षी मीनाक्षी वर्मा को महिला मार्शल के पद पर तैनात हैं और मीनाक्षी को गृह मंत्री निवास कार्यालय पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात, मतलब गृह मंत्रालय पर जो वो मतलब आरक्षी के रूप में थी, मतलब कांस्टेबल थी, और जो गृह मंत्रालय में है वो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात थी, तभी उनको बनाया गया था। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है? मतलब जो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय बनाया गया उसकी प्रथम कुलपति कौन बनी है? कर्णा मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू या पीबी सिंधु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी, ओलंपिक पदक विजेता हैं और वेट लिफ्टिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। इन्होंने वर्ष 2000 में सिडनी में आयोजित ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। उन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य पदक जीता था वेट लिफ्टिंग, मतलब वजन उठाने में। भारत की 21वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? मतलब शतरंज की ग्रैंड मास्टर कौन बनी? दिव्या देशमुख, सृष्टि गोस्वामी, मीना अग्रवाल या आर्या राजेंद्रन? इसका राइट आंसर है दिव्या देशमुख शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनी है। क्वेश्चन नंबर 10, 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है? मतलब शांति का नोबेल पुरस्कार, मारिया रेसा, सृष्टि गोस्वामी, मीना अग्रवाल या कमला हैरिस? तो इसका राइट आंसर है मारिया रेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई, इसमें मारिया रेसा को और दिमित्री मोराटो को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला समझते हैं। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता? मतलब ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? सृष्टि गोस्वामी, मीना अग्रवाल, आर्या राजेंद्रन या वंतिका अग्रवाल? तो इसका राइट आंसर है वंतिका अग्रवाल को शतरंज का खिताब जीता है। दिल्ली की युवा खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, 18 दर्रों को फतेह करने वाली पहला महिला, मतलब जो 18 दर्रों को पहली महिला जिसने बाइकर से बाइकर बनी, मतलब बाइक से इसने 18 दर्रों को पार किया है, सृष्टि गोस्वामी, मीना अग्रवाल, आर्या राजेंद्र या कंचन उगसांदी? तो इसका राइट आंसर है कंचन उगसांदी ने बाइकर बनी है जो 18 दर्रों को पार करने वाली। अगला समझते हैं, भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? मेघा राजगोपालन, ताहिरा कुतुबुद्दीन, ऋचा मिश्रा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है मेघा राजगोपालन। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। 15वें शेख जायद बुक पुरस्कार पहली बार किस भारतीय महिला ने जीता है? शेख जायद बुक पुरस्कार, ताहिरा कुतुबुद्दीन, सृष्टि गोस्वामी, मीना अग्रवाल या मेघा राजगोपालन? तो इसका राइट आंसर है ताहिरा कुतुबुद्दीन ने शेख जायद बुक पुरस्कार जीता है। अबू धाबी सांस्कृत विभाग प्रतिवर्ष शेख जायद पुरस्कार देता है, मतलब जो अबू धाबी या बोझ पुरस्कार को देता है, किस क्षेत्र में देता है? लेखकों को और कवियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। मुंबई में जन्मी प्रोफेसर ने इसने पुस्तक लिखी अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, इसके लिए इन्हें ये शेख जायद बुकर पुरस्कार दिया गया।
जापान ने किस भारतीय महिला को हाल ही में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान प्रदान किया है? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान प्रदान किया है श्यामला गणेश, कौशल्या शंकर, कोनेरू हम्पी या एडवेंसी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान प्रदान किया गया है। 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया, मतलब 2021 में? दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, कृति सेनन या कंगना रनौत? इसका राइट आंसर है कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन, द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 किसे मिला? इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार किसे दिया गया? कौशल्या शंकर, मीना अग्रवाल, आर्या राजेंद्र या कंचन उगसांदी? तो इसका राइट आंसर है कौशल्या शंकर को वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 दिया गया। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु मूल की जाति के विरोधी कार्यकर्ताओं और मानवाधिकारों के रक्षक कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमेन करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मतलब तमिलनाडु की ये मूल जाति की जो मतलब जाति प्रथा के विरोध के कारण इनको दिया गया। 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेट बल्लेबाज कौन है? झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत या मिताली राज? तो इसका राइट आंसर है मिताली राज ने 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूर्ण करने वाली पहली महिला बन गई हैं। हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं, न्यायमूर्ति दीपिका कुमारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली, न्यायमूर्ति किरण शाह या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति हिमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय में पहली बार मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन हैं। बीसीसी इंडियन में स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? कोनेरू हम्पी, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु या मिताली राज? तो इसका राइट आंसर है मीराबाई चानू को बीसीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भी पहली भारोत्तोलक महिला है, मतलब वेट लिफ्टिंग वाली महिला है जिन्होंने रजत पदक टोक्यो ओलंपिक में भी जीता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।